क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ जी, लवनीत मिलेश। क्या करते हैं आप? एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैथल में। और आप कहाँ के, क्या कहाँ के बिलोंग करते हैं? कैथल से। कैथल से। आपके आपको सर्जरी करवाए हुए कितना समय हो गया? सर्जरी करवाए हुए अराउंड अबाउट 40 और 42 डेज। आपका सर्जरी से पहले कितना वेट था? 157। और बीपी और अन्य किसी? बीपी थी, बीपी रहता था, शुगर काफी ज्यादा ही रहती थी, 250-300 रहती। 40 दिन जैसे आपको सर्जरी करवाए हुए हैं सर, तो आपका वेट अब कितना है? 139। और पहले? 157। यानी कि वेट कम हुआ है 18 kg। और आपका बीपी और शुगर अब कितना है सर? बीपी भी नॉर्मल है, शुगर भी नॉर्मल, शुगर रहती है 110-115-120 के आसपास। तो कोई मेडिसिन आपको लेनी पड़ती है? नहीं, शुगर की और बीपी की कोई मेडिसिन नहीं लेता। जो इससे पहले दिक्कत थी, मतलब जैसे खराटे हो जाते थे, रात को उठ के बैठ जाता था, बैठे बैठे नींद आती थी, सांस नहीं आता था, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिलहाल सर्जरी के बाद आपको ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना? बिल्कुल नहीं, आराम से। आपको इस सर्जरी के बारे में कहाँ से आपको पता चला? सर्जरी के बारे में मदर ने करवाई थी मेरी, डॉक्टर बंसल से करवाई थी, एक साल पहले। उनका भी 40 kg के आसपास कम हो गया। उनका भी 40 kg के आसपास कम हुआ। हाँ जी। और आपको डॉक्टर नितिन जी का काम कैसे, कार्य कैसे लगा सर? बहुत अच्छा है, तभी करवाया या पहले करवाया था, जब अच्छा लगा इसी का दोबारा यही करवाया। और हॉस्पिटल के बारे में आपका क्या सुझाव है, क्या राय है सर? हॉस्पिटल अच्छा, बढ़िया, सारी फैसिलिटीज अच्छी हैं। सारी फैसिलिटीज आपको अच्छी हैं? हाँ जी। और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब चुस्ती आई है शरीर के अंदर, जब उठ के अपने आप काम करने का मन करता है, पहले आलस रहता था। बाकी जो दिक्कतें थी वो तो सारी दूर हो गई लगभग। क्या आप इस सर्जरी के बारे में सर और किसी को बताना चाहेंगे? हाँ, जो मिलता है जिसको दिक्कत होती है बताते हैं उसको, जिसका वजन ज़्यादा करवाने भी सही है। थैंक यू सर।